Hello children, how are you all? I hope you all are fine and fit at your home. So children, in today's session, we are celebrating a two occasion. One is Raksha Bandhan. This is a festival of the brother and sister's love. And other one is the Friendship Day. It is the love or the bond between best friends. Okay? So one by one, I am going to tell you about these occasions. So first, I am going to tell you about the Hindu festival Raksha Bandhan. Raksha Bandhan is a famous festival of the Hindus. Children, Raksha Bandhan is a festival of brothers and sisters. It falls on the Purnima or in the full moon of the Shravan Mas according to the Hindu calendar. As we all know that nowadays everyone busy in their work. But festival like Raksha Bandhan bring all the family members together and spread happiness. Now children, I am going to tell you one of the most famous story of the Raksha Bandhan from our history. This is the story of the Krishna and the Draupadi. Children, do you know about the Lord Krishna? Lord Krishna, jinki hum log Janmashtami mein worship karte hai na? So this is the story of the Lord Krishna and his sister Draupadi. Once Krishna God cut his finger during the fight with the Shishupal. Shishupal is an evil king. At that time, Draupadi immediately tore off a piece of her sari. वो अपनी साड़ी के पल्लू से एक छोटा सा हिस्सा फाड़ती है and she wrapped that piece on the Krishna's finger. Due to this sisterly loving act, Krishna promised her to rescue him for the all difficulty. उनका ये sisterly love यानी प्यार देखकर कृष्णा उनको हर मुसीबत से बचाने का वचन देते हैं यानी उनसे प्रॉमिस करते हैं. So children, this is the festival of the love, togetherness and the faith. On this day, tasty and wonderful dishes cooked at a home. Sister prepares puja thali with the kumkum, diyas and the most important thing, which is Rakhi, which is a unique and holy. And they worship the God and tie Rakhi on their brother's hand and wish for their well-being. और उनके अच्छे के लिए कामना करती हैं. And brothers gifts to their sister and take a lifelong vow to protect their sisters. और वो उनको lifelong प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करते हैं. सो चिल्ड्रन, अबाउट रक्षाबंधन आई हैव टोल्ड यू सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी पॉइंट्स. चिल्ड्रन, इन रक्षाबंधन एज द सिस्टर टाइज अ बैंड ऑन द रिस्ट ऑफ हर ब्रदर, बट इन द फ्रेंडशिप डे एनीवन कैन टाई अ बैंड ऑन देयर फ्रेंड्स रिस्ट. देयर आर द सो मेनी वेज टू शो योर लव टुवर्ड्स योर बेस्ट फ्रेंड्स. चिल्ड्रन, डू यू नो अबाउट द बेस्ट फ्रेंड और द ट्रू फ्रेंड्स? बेस्ट फ्रेंड क्या होते हैं या ट्रू फ्रेंड्स क्या होते हैं? देयर आर द सम क्वालिटीज ऑफ द बेस्ट फ्रेंड. लेट्स नो मोर अबाउट द ट्रू फ्रेंड्स और द फ्रेंडशिप विद दिस स्टोरी. दिस इज द स्टोरी अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप ऑफ कृष्ण सुदामा. बहुत समय पहले की बात है, कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे. वे दोनों पक्के मित्र थे. समय बीतता गया, कृष्ण द्वारिका के राजा बने, पर सुदामा का जीवन गरीबी और कष्टों से भरा था. एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे. सुदामा ने अपनी पत्नी की बात मान ली. इतने दिनों बाद मित्र से मिलूंगा, खाली हाथ कैसे जाऊं? घर में तो कुछ है नहीं, क्या उपहार लेकर जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई और उनकी पोटली बनाकर सुदामा को दे दी. सुदामा घर से चल पड़े. उनका मन घबरा रहा था. कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने ना पहचाना तो? चलते चलते वे द्वारिका जा पहुँचे. कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए. आपको किससे मिलना है? मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र
कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए। उन्होंने सुदामा को स्नेह से बाहों में भर लिया, फिर आदर से अंदर ले गए। परात में पानी लेकर उन्होंने स्वयं सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद कर करके हंसते रहे। मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा। सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे। कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर स्वयं पोटली ले ली, उसमें से लेकर दो मुट्ठी चावल प्रेम से खाए। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा विदा हुए। घर लौटते समय वे सोचने लगे, कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, घर में पत्नी आस लगाकर बैठी होगी, अब घर जाकर मैं क्या कहूंगा। सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर चकित रह गए। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब महल खड़ा था। वहां का वैभव बिल्कुल द्वारका जैसा ही था। सुदामा सब समझ गए। अरे, यह चमत्कार अवश्य ही कृष्ण ने किया है, उन्होंने मित्र का मान रख लिया। बच्चों, ऐसा कहते हुए सुदामा खुशी खुशी अपने महल चले जाते हैं। सो चिल्ड्रन, होप यू अंडरस्टूड अबाउट द ट्रू फ्रेंडशिप। एंड वन मोर थिंग वी कैन से अबाउट द फ्रेंड्स इज द गुड फ्रेंड्स ऑलवेज स्टैंड विद यू इन योर गुड और बैड टाइम। वो हमेशा हमारे अच्छे और बुरे समय में हमारे काम आते हैं। नाउ चिल्ड्रन, होप यू अंडरस्टूड अबाउट द ट्रू फ्रेंडशिप बाय द स्टोरी। सो चिल्ड्रन, ऑन दिस इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे which is falling on the first Sunday of the August 2020, you have to wish Happy Friendship Day to all your true friends by giving them friendship band and friendship card. So children, in today's activity, I am going to show you how will you make Friendship Day card. So let's start Friendship Day activity. For this, you need a color paper. If you don't have color paper, you can use white sheet and you will color on it. And fold the sheet like this to make a two parts of it. And with the help of your parents, you have to cut it. So first we will take a smaller part and we have to make a design of cloud like this. And you have to cut it. Now on this card, you will write your friend's name. Okay, with the help of your parents. I am writing Jyoti is a good friend. Now take the another part from which you will cut the small strips and you will color on it. Okay children, now take the card and paste all the strips on the back side of it like this. After pasting all strips, it will look like this. And you have to write the qualities of your friends. Like I have written, Jyoti is a good friend because she is calm, kind, funny, helpful, forgiving, good listener and caring. So this way you will write your friend's quality and give it to them by wishing them happy friendship day. आपको उनको friendship day wish करते हुए ये card देना है. After it, children, as you know that we are celebrating two occasion today, friendship day and Raksha Bandhan. So let's start Raksha Bandhan activity. Children, for this activity, you will need a thin cardboard. आप घरों में शादी का card या copy के बाहर का cover भी use कर सकते हैं. Otherwise, you will use drawing sheet and you will double it by folding it. Some other things you will need: scissors, pencil, a round shape thing, glue for the pasting, and some pulses. So first of all, we have to take the circle shape thing and put it over here, and we have to make a circle shape. Another circle shape I am making. So you have to cut the both and paste them together to make thick base to the Rakhi. After cutting, it will look like this.
Now children, take the glue or the fevi stick and apply it on that circle paper, and one by one you will take the pulses and paste them by making a design. Here I am making a flower design. So this way you have to paste all the pulses. Okay, after pasting it will look like this. Now we need a thread or a ribbon, or you can use kalava or moli ka dhaga jo hamare gharon mein hota hai na, and paste it on the back side and it will ready for the tying. So children, this way you will make your own rakhi by your own creativity. Children, here we have tried so many rakhi designs for you. So make the rakhi and friendship card and send the photograph of this activity on the office number. So children, happy Raksha Bandhan and happy friendship day. So children, after activity you have to do the homework in your workbook of Hindi, English and Maths. Children, today I am giving you two pages of each workbook because you have 2 days holiday. So do it well. Thank you, kids.